हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एट्यूड मैथ्स। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास टेंथ आर एस अग्रवाल न्यू एडिशन चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3C से क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 में कह रहा है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय यूजिंग द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एट 2x + y = 35, 3x + 4y = 65। तो हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है लीनियर इक्वेशन, उससे कंपेयर कराते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर तो हमारी जो इक्वेशन होती है उसमें c1 और c2 की वैल्यू भी इधर लेफ्ट साइड में होती है, यहाँ पर वैल्यू तो इधर लिखी हुई है। तो पहले तो हम इन इक्वेशंस को सिंपली वैसे फॉर्मेट में जो हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है उसकी जैसे लिखेंगे, तभी हम इसमें कंपेयर करा सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2x + y - 35 = 0, 3x + 4y - 65 = 0। तो अब हम इसे कंपेयर कराएंगे तो a1 की वैल्यू आ गई 2, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू माइनस में 35 और a2 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू 4 और c2 की वैल्यू माइनस में 65। सो हम लोग यहाँ पर जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है स्पेशली वो यूनिक सॉल्यूशन के लिए होता है, जब हमारा a1 और a2 की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 के आती है तब। तो यहाँ पर आप जब रखेंगे तो आपकी वैल्यू इस तरह से इक्वल नहीं आ रही है, तो आप यहाँ पर आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए। सो यहाँ पर x और y और यहाँ पर कॉन्स्टेंट लिखते हैं, तो x जहाँ पर x होता है तो x वाले कोफिशेंट्स को हाइड करके b1 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे b1, b2, c1, c2, a1, a2। तो यहाँ हो जाएगा b1, b2। तो b1, b2 से शुरू करेंगे, b1, b2 से एंडिंग भी होती है। अब हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तभी, तो इन्हें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो इन्हें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे x/b1c2 - b2c1 = y/c1a2 - यहाँ हो जाएगा हमारा c2a1 = 1/a1b2 - a2b1। तो अब हम x और यहाँ पे जो हमने वैल्यूज निकाली यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है। सो b1 की वैल्यू है हमारी 1, c2 की वैल्यू है हमारी यहाँ पे माइनस में 65 और माइनस b2 की वैल्यू है 4 और c1 की वैल्यू है माइनस में 35 = y/c1 की वैल्यू है माइनस में 35 * और a2 की वैल्यू है यहाँ पर 3 माइनस में c2 की वैल्यू है हमारे यहाँ पर माइनस में 65 और a1 की वैल्यू है यहाँ पर हमारी 2 = 1/a1 की वैल्यू है 2 और b2 की वैल्यू है 4 माइनस में a2 की वैल्यू है 3 और b1 की वैल्यू है 1। तो हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया हमारा माइनस में 65 माइनस माइनस में प्लस 4 5 4 20 0 कैरी 2 4 3 12 और कैरी 2 हमारा हो गया 40 140। अब यहाँ हो जाएगा y/5 इनको मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 15 कैरी 1 3 3 9 और 10 सो ये हो गया -105 माइनस माइनस प्लस 5 2 10 0 कैरी 1 6 2 12 और 1 8 13 = 1/4 2 8 माइनस में 3 सो ये हो जाएगी हमारी वैल्यू x/-65 है और +140 है, ठीक है। इन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इन्हें हम क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, 140 है और ये 65 है, कैरी लेंगे यहाँ पे हो गया, ये हो गया 10 माना जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 13 में से 6 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7, ठीक है। तो ये हो गया 7, यानी यहाँ हो जाएगा हमारा 75। तो ये हो जाएगा हमारा डिवाइड में +75 होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा ये माइनस में ये प्लस में और प्लस में जो बड़ी वाली वैल्यू होती है हम उसी को लेते हैं। तो ये हो गया +75 = y/, इन्हें भी माइनस करेंगे सो 130 में से 105 माइनस करेंगे तो 25 ही आ जाता है, 1/ इसको हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5। तो अब हम वन बाय वन इन्हें ना आपस में इक्वल करके लिखेंगे, ठीक है। तो एक बार x की वैल्यू इसके इक्वल, एक बार y की वैल्यू इसके इक्वल करेंगे, तो ये हो जाएगी x/75 = 1/5। तो हम इसे कैंसिल करेंगे, 5 1 5 5 5 5 25 सो x = 15, x की वैल्यू 15 आ गई। और दूसरा हम y/25 की वैल्यू इक्वल करेंगे 1/5 के, सो 5 5 25 देयरफॉर y = 5 और x = 15। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।